स्पीकिंग टू समवन एल्स, सारा फोन उठा नहीं रहे वो। तो मैं बता दूं मूवी कैसी थी? गुस्सा हुआ पर ठीक है, जो गार्ड थी वो सो रही थी, वो भी खुश हो गए, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। देखी थी प्रूफ के लिए। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अभी मैं एक्चुअली कहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने देवर के साथ, हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए गदर 2। मेरी लिपस्टिक ने ज़्यादा डार्क लग रही ना, अच्छी ज़्यादा गंदी लग रही है, मुझे बताना। एनीवेज, तो मेरे हस्बैंड उनको मूवीज़ वगैरह देखना, घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो मैंने और मेरे देवर ने एक डेढ़ महीने पहले प्लान बना लिया था कि हम जाएंगे। एंड फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी, फ्राइडे को हम नहीं जा सकते थे, तो आज जा रहे हैं। नहीं पहन रहे क्या? नहीं पहन रहे क्या तुम? नहीं पहनूंगा। रास्ते में चला चलाते पहन लोगे? बाद में। पास ही में हम जा रहे हैं बाइक से। कल से क्या, मैं ऑलरेडी लेट हो गया है, देर में वहाँ पहुँच पाएंगे क्योंकि 15 मिनट का तो ब्रेक ही आता है स्टार्टिंग में, तक हम भी पहुँच जाते 2:15 बजे का हमारा टाइमिंग था, तो ठीक है बाकी स्टार्टिंग का हम नहीं तो कुछ पोर्शन छोड़ देंगे। तो हम पहुँच गए मॉल में, हम कितने लेट हैं? पूरे 15 मिनट लेट है ऑलरेडी। अभी हमने अंदर एंट्री भी नहीं की है, अंदर एंट्री में भी 5 मिनट तो लगेंगे, 5-7 मिनट पहुँचने में। यहाँ भी टाइम लग रहा है पार्किंग में, वो आगे से जा सकते भाई। जो गार्ड थी वो सो रही थी, और मेरे जो देवर हैं वो ना नीचे पार्किंग में चले गए, वहीं से आएंगे, मैं तब तक पहुँच जाती हूँ थिएटर के बाहर, उनसे मिलूंगी। मैं तब गई थी पहले आई होप 3rd फ्लोर में, क्योंकि यहाँ भी हमने ना एक मूवी देखी थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, मेरे हस्बैंड के साथ गुन्नू तब पेट में थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया था। फ़ोन करती हूँ, ऊपर ही बुला लेती हूँ मैं सबसे। अरे वहाँ यहाँ पे स्काई जंपर भी है, सही को पता नहीं था यार। स्पीकिंग टू समवन एल्स, सारा फ़ोन उठा नहीं रहे वो, उन्होंने एक्चुअली एयरपोर्ट से लगा रखा है, उनको पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पे बाबी मूवी लगी है, गदर लगी है, अरे मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ, पार्किंग कर रहे हैं, क्या हो गया? हेलो फोन टू फोन, हेलो। अभी बताया कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हमने एक्चुअली, मैं इन लॉज के यहाँ थी, सूट पहना था, मुझे कपड़े चेंज करने थे, तो हम पहले फ्लैट गए और मैंने वहाँ पे कपड़े चेंज किए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बाइक लेके बस जाना, वहीं तक जाना फ्लैट तक, एंड मैं आ गई थी। अभी मेरे को बताना नहीं था उन्हें, बट बातों बातों में मैंने उन्हें कह दिया कि जब वो मतलब मेरे देवर वो पार्क करने गए, फिर क्या पार्क करने गए, मैंने कहा बाइक। गुस्सा हुआ पर ठीक है, आराम से आना, मेरे से ना बात पचती नहीं है यार, कब आएंगे जब वो, बहुत टाइम लग रहा है यार। एंड मेरे देवर के साथ आने का ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ना वो भी मस्ती करना है, उछल कूद जैसे मैं आऊँ ना उस तरीके से उन्हें पसंद है घूमना फिरना, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं। आने के लिए वो भी रेडी हो गए थे, बट फिर जब जग्गू रेडी हो गए तो मैंने उनको बोला चलो हम दोनों ही चले जाते हैं, वो भी खुश हो गए, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। उनको भी आने का मन नहीं था, मैंने कहा इनके साथ तो और बोरिंग हो जाएगा। 5th फ्लोर में ये तो है, 7। अच्छा हाँ 7, हाँ ये सर। तो हम एंट्री ले रहे हैं, ये रहा ना नंबर, सीट नंबर। अरे किसने बैठा जी? और घर पे सब? बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अजी आजकल के बच्चे पढ़ते कितने हैं, फिल्में ही देखते रहते हैं। तो अभी इंटरवल हो गया, बाहर आ गए हैं, अभी बज गए 4। यार मेरे को तो ठीक ठाक लगी वीडियो, बट जग्गू को नींद आ रही है, तो अपने भाई के भाई वो भी सो जाते हैं हमेशा, बट अभी जग्गू उठाई है पूरी तरीके से नहीं सोया है, एंड हम कुछ नहीं लेने वाले क्योंकि मेरे को ये वेस्ट ऑफ मनी लगती है, इनको भी तब नहीं लेना है, वो भी खत्म हो जाएगी तब देखेंगे टाइम के हिसाब से है, तो सो हमारा हुआ था 56 या 57 का हुआ था, 5 मिनट अभी हो गए हैं, 10 मिनट अभी बचे हैं, अभी तक मूवी मुझे ठीक लगी, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती इसलिए मैंने शूट नहीं किया, लास्ट में आई थी बाद में शूट कर लूँगी आप लोगों के लिए कि देखी थी प्रूफ के लिए। आज बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, बहुत भीड़। बच्चे हैं मेरे को 8 और 4 2 12 3 मिनट।
आज तेरी मेरी एक जिंदगी का हो गया मूवी देख ली एंड मुझे तो अच्छी लगी। रिव्यू उतने अच्छे नहीं थे जितने मुझे ठीक लगी, मतलब बहुत वाव नहीं थी बट अच्छी थी, काफ़ी सही लगी मेरे को। अब मेरा प्लान आगे का घर जाके गुन्नू के पापा को सब कुछ बताना और उनको स्पॉइलर देना, क्योंकि वो रात में मुझे पता है आज फोन मूवी देखेंगे ये वाली, उससे पहले मैं उनका खुलास कर दूँगी। एक्साइटमेंट सब ख़त्म, बहुत मज़ा आएगा। सुनेंगे नहीं ना तो भी कान कान में चिल्ला चिल्ला के बता दूँगी सारा। वो भी देखने से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। तो अभी और जो देवर है मेरे बाइक लेने के लिए गए हैं, मैं निकल गई हूँ मॉल से बाहर। अब पहले हमें फ्लैट जाना पड़ेगा क्योंकि कपड़े चेंज करने हैं, देन उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो गाइस अभी मैंने कपड़े बदल दिए हैं, देवर नीचे वेट कर रहे हैं। दो मिनट में मैंने जल्दी चेंज किया क्योंकि लेट हो गई है, मूवी थोड़ी बड़ी थी यार। एंड अभी जा रहे हैं, मेरे हाथ में मिक्सी है। एक्चुअल में मेरे बर्थडे वाले दिन ना दो मिक्सियों की ज़रूरत थी, तो हमने एक नेहा से ली थी, तो ले जाती हूँ, काफ़ी दिन से पड़ी, उन्हें भी ज़रूरत होगी। वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं बच्चों के लिए। हमने अभी चाउमीन लिए स्ट्रीट से, कि स्ट्रीट वाली में जो स्वाद है वो कहाँ, स्वाद यहाँ है, स्वाद कहाँ है मुझे एक ऐड याद आ गया। अब बड़ा गंदा सा ऐड ही नहीं, मतलब सीन याद आ गया बड़ा गंदा सा। और कुछ नहीं, मैंगो पड़े इतने सारे यार यहाँ पे, और हम बिना मैंगो के जी रहे। लेके आया है उनने, मेरे को स्क्रीन शॉट लेके दिखाया था, देख रात के टाइम सेल चली थी, मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया। पिज्जा बस मजा आ गया फिर तो। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे फिर? स्पीड में तुम्हें बता दूँ मैं मूवी कैसी थी, क्या हुआ? अरे बता दो। देखो वो जो होता है लड़का, ठीक है, उसका बेटा, फिर भी देखूंगा। तुम मेरे चाल मेरी काम है। अब तो अब बस अब तुमको हेट करो, बंद कर दिया। तो अभी बन रहे हैं यहाँ पे चाय एंड आलू उबालने रख दिए हैं। आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्जी और झोल, आलू का झोल और चावल, पापा के लिए रोटी बनेगी। और जो मैंने सोचा था कि अपने हस्बैंड को बता के सब ख़त्म कर दूँगी, उनके एक्साइटमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा मेरी कोई होने वाली नहीं, मैं फिर भी देखूँगा, तो मैं नहीं बताने वाली उनको। भाई तो भाई पिज्ज़ा बड़ा अच्छा हो रहा था यार, 150 रुपये के दो थे यार, सही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन गई है आलू की सब्जी, थोड़ी सी और पकाऊंगी इसको। जीरे में सॉरी घी में भुने हैं, घी और जीरे में चावल, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। एंड जब तक वो बन रहा है मैं चाय पी रही हूँ, बिस्कुट खा रही हूँ। मन कर रहा है मीठा खाने का, वैसे मुझे बर्बन या ओरियो खाने का मन कर रहा था, क्योंकि वो चाय में डिप करने का ना बहुत गीले से हो जाते थे, बहुत चॉकलेटी लगते, बट वो है नहीं अभी। इस बार ये लाए हैं क्या है, गुड्डे। इसके बाद पापा के लिए बस हम रोटी बनेगी, फिर हम खाना खाएंगे यार, सो जाएंगे। गुन्नू की तब तक मालिश हो रही है, तो काफ़ी फ्री टाइम है मेरे पास, मस्त करके चाय पीने का बैठ के। गुन्नी क्यों क्या कर रहा है तू? देखिए अम्मा क्या लाई है क्या नहीं लाई है। हाँ देख बैठ के देख तो गुन्नी, खाना खोल देख इसमें देखिए। अरे अम्मा तो तेरी फेवरेट सब्जी नहीं लाई, करेला, लहसुन, नींबू। ठंडा देना, तुमने कहा कल ठंडा पानी दे, मैंने दिया सही, तुमने कहा तो गर्म है ठंडा दे, नहीं बर्फ पानी बर्फ ले आई। अब मेरे को देख के खुश होते थे, होते हो मेरे को हो गए ऐसे हैं। ओ, मम्मी अभी खराब नहीं हो जाए, काला हो जाएगा ना। शिमला मिर्च भी खराब हो गया।
कह रही मैं काट के दे देती तुम लोगों को, तुम्हें काटना नहीं आता। अब बना देना मेरे लिए।